ਮਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾ ਮਾਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਸਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਗੋਇਲ ਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗੇ ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰੀ ਔਰਤ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਸਕਾਰੀ ਹਨ, ਮਿੱਠ ਬੋਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਹਮਦਰਦੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਬਿਮਲਾ ਗੋਇਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੀਤਾ ਮੰਦਿਰ ਅਰਬਨ ਸਟੇਟ ਫੇਜ਼ 1 ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਵਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂ ਤੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ
ਉਪਰੰਤ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੋਕਸ਼ ਦਵਾਰ ਅਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀਵਾ ਜੰਤ ਅਗਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖ ਹੀ। ਸਾਧਨ ਧਾਮ ਮੋਕਸ਼ ਕਰ ਦੁਆਰਾ ਪਾਏਂਗੇ ਪਰਲੋਕ ਸਮਾਰਾ। ਸਾਧਨ ਕਾ ਧਾਮ ਯਹੀ ਮਾਨਵ ਤਨ ਹੈ। ਆਹਾਰ ਨਿਦਰਾ ਭੈ ਮੈਥੁ ਯਹ ਚਾਰ ਵਸਤੂ ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਜੀਵ ਮੇਂ ਸਮਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਤਾ ਹੈ। लेकिन मनुष्य में एक चीज अधिक है, मनुष्य ज्ञानवान कहलाते हैं। अपने ज्ञान की शक्ति से मोक्ष की सोपान को प्राप्त कर सकते हैं, वैकुंठ को प्राप्त कर सकते हैं, श्री हरि को की चरणों में जाकर की निवास कर सकते हैं। लेकिन ऐसा सुंदर मानव तन को इंसान गवा देते हैं। क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे? कुछ लेकर आए नहीं थे, ना कुछ लेकर जाएंगे। धनानि भूमो पश्वश्चगुष्टे भार्या गृहि द्वारि जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे कर्मानुगो गच्छत जीव एकः। धनानि भूमो, धन संपत इसी पृथ्वी पर रह जाता और साथ नहीं जाता है। पश्वश्चगुष्टे, पशु पक्षी अगर अधिक प्यारा है वो भी गौशाले में बांधे रह जाते हैं। धनानि भूमो पश्वश्चगुष्टे भार्या गृहि द्वारि, अगर भार्या स्त्री अगर अधिक प्यारी है वो भी मत के पार पीट कर घर में ही रह जाती है। बंधु बांधव तक शमशान तक जाते हैं और बेटा अग्निदान का कर्तव्य निभाते हैं। इसके आगे यह तन जो है, जिस तन को कहते हैं यह आत्मा है, यह मेरा है, अगर एक कांटे भी चुभ जाता है तो तुरंत निकाल दो। थोड़ा फीवर आ जाता है तुरंत दवा खाते हैं। यह तन बहुत प्यारा है, रंग बिरंग का गहना जेवर से तन को सजाते हैं, सेंट साबुन लगाते हैं, रंग बिरंग का कपड़ा पहनते हैं, लेकिन यह तन भी अपना नहीं है। यह तन जो है, यह भी जलकर राख होकर इसी चिता में रह जाती है, ये भी साथ नहीं जाती है। अपना क्या है? तो कर्मानुगो गच्छत जीव एकः। अपना जितना कर्म कर लेंगे, अच्छा हुआ बुरा, वही कर्म जो है, वही धर्म जो है, या वही पाप और पुण्य जो है, वही आपके साथ जाएगा। बिंदु जी भजन में दर्शाते हैं, अंतिम चरण है, जो साथी मित्र है गंगा के जल बिंदु पान तक, अरे धामनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के लोग साथ चलेंगे शमशान तक, बेटा भी हक निभाएंगे तो अग्निदान तक, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि का भजन बिन अकेला रहेगा। ये जो देश जो है पिराना देश है, अगर हरि का भजन आपने नहीं किया तो पाथाय का खर्चा नहीं हो। यह मार्ग का पाथाय जो है सत्कर्म है, सत्कर्म वही पाथाय आपको साथ देगा, बाकी कुछ नहीं। अंत विच पगड़ी दी रस्म नूं निभाउंदियां होईआं आईआं संगतां दा, रिश्तेदारां दा, सज्जणां मित्रां दा तहे दिल तों धन्नवाद कीता गया।